सरकारी हाई स्कूल सीनी वाला ब्राड के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारा पहला पाठ कबीर दोहावली शुरू करेंगे। कबीर जी के बारे में आप जानते हो, आपने सुना होगा इससे पहले भी कई बार, कि कबीर जी जो है वो भारत के एक महान संत हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं और कबीर जी के दोहे जो हैं वो गागर में सागर भरने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि उन्होंने दो दो लाइनों के जो दोहे लिखे हैं उसमें बहुत बड़ी ज्ञान की बातें जो वो आपको सुनने को मिलेंगी। सबसे पहले हम पहला दुआ करते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कबीर जी कहते हैं कि सच के बराबर कोई तप नहीं है, तपस्या नहीं है, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जाके हृदय साच है, जिसके हृदय में सच है, ताके हृदय आप कौन? वो परमात्मा। जिसके हृदय में सच्चाई है, कहते कि परमात्मा उसके हृदय के अंदर वास करते हैं। अगला है, साधु भूखा भाव का धन खा भूखा नाही, धन खा भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। कबीर जी कहते हैं कि साधु जो है, सच्चा साधु जो है वो भाव का, प्रेम का भूखा है, धन का भूखा नहीं है। और जो धन का भूखा जो फिरे, जो साधु धन मांगता फिरता है गली गली में घर घर में, वो साधु नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे गांव में, हमारे घरों में अक्सर किस कई प्रकार के साधु आते हैं, तो कुछ उनमें से पैसों की मांग करते हैं, तो जो पैसों की मांग करते हैं वो सच्चे साधु नहीं है, वो झूठे साधु हैं, पखंडी हैं, लालची हैं। अगला है कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। कहते कि जैसा भोजन हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। अगर हम अच्छा और शुद्ध शांत भोजन खाएंगे तो हमारा मन जो है वो भी अच्छा शुद्ध और शांत होगा। जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए, जैसा हम पानी पियेंगे उसी तरह की हमारी वाणी जो वो हो जाएगी। संत न छोड़े संत ही, जो कोटक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया तो शीतलता न तजंत। संत न छोड़े संत ही, संत जो है वो अपनी संतई को, अपनी संतगिरी को कभी नहीं छोड़ते। जो कोटक मिले असंत, कोटक क्या होता है? करोड़ों करोड़ों ही अगर असंत, बुरे व्यक्ति, बुरी प्रवृत्ति के लोग अगर संतों को मिले, उनके संपर्क में आए, तो भी जो संत लोग हैं वो अपनी संतगिरी को नहीं छोड़ते हैं, अपने जो विचारों पर अडिग रहते हैं, अटल रहते हैं अपनी सोच पर। जैसे उदाहरण दिए कि चंदन भुवंगा बैठिया तो शीतलता न तजंत। चंदन का वृक्ष बड़ा ही कीमती, बड़ा पवित्र होता है, उसके ऊपर भुवंग, भुवंग क्या होते हैं? सांप। चंदन के वृक्ष पर अक्सर सांप लिपटे रहते हैं, सांप उनके वृक्ष के ऊपर ऐसे लेटते रहते हैं, ऐसे बल मारकर बैठे रहते हैं, तो शीतलता न तजंत। फिर भी सांप के संपर्क में आने पर भी जो चंदन के वृक्ष की लकड़ी है उसकी शीतलता, उसकी पवित्रता कभी खत्म नहीं होती। ये उदाहरण दिया है कि इसी तरह संत लोग भी जो है वो बुरे लोगों के, जहरीले लोगों के संपर्क में भी आए तो भी उन पर कोई असर नहीं होता, जैसे चंदन के वृक्ष के ऊपर सांप के जहर का, सांप के लिपटने का कोई असर नहीं होता। इसका मतलब क्या है समझाया गया है कि हमें बुराई से दूर रहना चाहिए। अगर बुराई किसी वजह से हम बुराई हमारे पास आ भी जाए तो भी हमारे ऊपर बुराई का असर हमें नहीं होने देना चाहिए। अगला है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कहते कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथियाँ किताबें पुस्तकें ग्रंथ पढ़ पढ़ कर जग मुआ, जग लोग मर गए इससे पहले, कितने लोग आए कितने चले गए, पंडित हुआ ना कोई। वो पंडित नहीं बन सके, ज्ञानी नहीं बन सके, भले ही उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, ग्रंथ पढ़े, क्यों? ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर अमल करना है, क्योंकि उन्होंने अमल नहीं किया, उस पर विचार नहीं किया, उनको अपनी ज़िंदगी में उनको उन विचारों को लागू नहीं किया। इसलिए अगर हमें अब जो पढ़ते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में लागू कर लेते हैं, उनका अनुसरण करेंगे, तो ढाई अक्षर प्रेम का, प्रेम का ढाई अक्षर ही पढ़ लें
तो भी पंडित हो सकते हैं, तो भी ज्ञानी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम दुनिया में प्रेम करना सीख जाएं, मनुष्य से, जानवरों से, पशु पक्षियों से, प्रकृति से प्रेम करेंगे, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगला है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोय। कहते कि मैं बुरा व्यक्ति ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा, लेकिन मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। क्यों? कि जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। जो भी बुरा व्यक्ति मुझे मिलता, तो मैं उसकी बुराइयों को देखता, तो जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा, तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा बुराइयां तो खुद मेरे अंदर हैं। ये तो मुझसे अच्छा है, मुझसे अच्छा है ये। मुझे अपने से बुरा व्यक्ति कोई मिला ही नहीं। तो इसका मतलब कबीर जी ने क्या बताया है कि हमें दूसरों में बुराइयां ढूंढने के बजाय अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसमें झांक के देखना चाहिए, और अपनी बुराइयों को पहले दूर उनको करना चाहिए, दूसरों को बाद में समझाना चाहिए। दूसरों की बुराई ढूंढने बाद में ढूंढनी चाहिए, पहले अपनी बुराइयों को ढूंढ कर उनको दूर करना चाहिए। अगला है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर जी कहते हैं कि धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। सब कुछ जो होता है वो वक्त आने पर होता है। हमें किसी काम की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि जो भी हम करते हैं उसका फल हमें समय आने पर मिलता है। जैसे उदाहरण दिए कि माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अगर हमने कोई नया पौधा लगाया है, मान लो आपने आम का, अमरूद का घर में पौधा लगा लिया है, छोटा सा पौधा लगाया है, तो आप चाहते हो कि मैं उसमें इस पौधे से आज ही कल ही इसमें पानी डाल डाल के कल ही अमरूद लग जाएंगे या कल ही आम लग जाएंगे, तो क्या ये संभव है? अगर किसी पौधे को आप एक दिन में 100-100 घड़े पानी डालोगे तो क्या वो फल देने लग जाएगा? नहीं ना। तो फल कब लगेंगे? जब उसकी ऋतु आएगी, जब उसका समय आ जाएगा, तब उसमें फल लगेंगे। तो मतलब क्या है कि हमें ज़िंदगी में अपना कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल जब वक्त आएगा तो फल हमें खुद ब खुद मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। सब्र रखना चाहिए। अगला हमारे पास है, इजाते ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पढ़ रहे दो म्यान। कि हमें कभी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए कि तुम्हारी कौन सी जात है। साधु की कभी कोई जात नहीं होती, वो तो ज्ञानी होते हैं। उनसे ज्ञान के बारे में बात कर सकते हैं, उनको जाति के बारे में पूछना नहीं चाहिए। उनको उनसे ज्ञान के बारे में पूछें, उनको ज्ञान की बातें पूछ सकते हैं। कैसे? उदाहरण दिया कबीर जी ने कि मोल करो तलवार का, पढ़ रहने दो म्यान। अगर हमने तलवार खरीदने जाना है, हमें एक तलवार की आवश्यकता है, तो बाज़ार में जाएंगे तो तलवार का मोल पूछेंगे, ना कि उसकी म्यान का। म्यान आपको पता ही है कि किसे कहते हैं, कि जिसके अंदर तलवार डाली जाती है, जिसके अंदर तलवार को डालकर रखा जाता है, या जिसमें से तलवार बाहर निकालते हैं हम, वो म्यान होती है। तो म्यान का मोल थोड़ा करेंगे। जब तलवार खरीदेंगे तो म्यान जो है वो तो उसके साथ फ्री में मिल ही जाएगी आपको। तो मतलब क्या है कि साधु को जब मिलते हैं तो हमें उनसे कुछ ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, ज्ञान की बातें करनी चाहिए, प्रभु परमात्मा की भक्ति के बारे में बातें करनी चाहिए। अगला हमारे पास है कि कबीर तन पंछी बया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाई, जो जैसी संगत कर सो तैसा ही फल पाए। कहते कि कबीर जी कहते हैं कि तुम्हारा तन जो है, हमारा शरीर जो है, वो पंछी की तरह है, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाई। जहाँ हमारा मन उड़ता है, उसके पीछे पीछे हमारा तन भी भागता रहता है, उसके पीछे पीछे हमारा तन घूमता है, भागता है। जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। कहते कि जो जैसी संगति करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। अगर हमारा शरीर जो हमारा तन है, हमारे मन की संगति कर, मन की संगति में रहता है, मन की संगति करेगा तो मन के पीछे पीछे ही जाएगा, मन जैसा ही हो जाएगा। उसी तरह हम जैसी संगति करेंगे वैसा ही हमें फल मिल जाएगा। मतलब हमें अच्छी संगति, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। आगे है, अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। बट इस दोहे के अंदर कबीर जी ने बताया कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा
ज़रूरत से ज़्यादा ना तो बोलना चाहिए, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना चाहिए। जैसे अति का भला ना बरसना, अति के भले ना धूप। अगर बरसात होती है और ज़रूरत से ज़्यादा बरसात ही होती रहे, बरसात ही होती रहे, बरसात ही होती रहे, तो हम डूब जाएंगे। और अति की बलने धूप, और या फिर बरसात हो ही ना, बिल्कुल बरसात ना हो, धूप ही धूप पड़ती रहे, तो हम सभी गर्मी से झुलस जाएंगे, फसलें तबाह हो जाएंगी। तो मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो है वो किसी एक लिमिट के अंदर, एक दायरे के अंदर ही होनी चाहिए। ना अधिक बोलना चाहिए और ना ही ज़रूरत से अधिक चुप रहना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर बोलना भी चाहिए, और जहाँ चुप रहना वहाँ चुप भी रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगला कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चाहूँ दुषी फिरे, ये तो सिमरन ना ही। तो कबीर जी कहते हैं कि माला तो हम हाथ के अंदर ऐसे ऐसे हम वाहिगुरु करते हैं या राम राम करते हैं, हमारे हाथ में माला ऐसे घूमती मन के घूमते रहते हैं, जीव फिरे मुख माही, और हमारी जीव है वो हमारे मुख के अंदर वाहिगुरु या राम राम करते हैं, तो जीव मुख के अंदर घूमती रहती है। लेकिन मनवा तो चहु दिशी फिरे, हमारा जो मन जो है वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है। जब हम राम राम करते हैं, वाहिगुरु करते हैं, अल्लाह का नाम जपते हैं, तब क्या है कि हमारा जो ध्यान है वो कहाँ होता है, वो कहीं और घूम रहा होता है। जब हमारा मन ही कहीं और घूम रहा है तो ये कोई सिमरन थोड़ा है, ये कोई सिमरन नहीं है। जब सिमरन करना है तो बिल्कुल एकाग्र एक चित होकर ध्यान लगाकर हमारा मन भी हमारे सिमरन के साथ होना चाहिए। अगला बेटे बहुत ही अच्छा है आप सबके लिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कहते जो काम तुमने अपने कल करना है उसको आज ही क्यों ना कर लिया जाए, और जो आज करना है तो अभी क्यों नहीं, तो पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। हमारी जो जीवन है ये नाशवान है, कभी भी नाश हो सकता है, कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो हमें कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ये काम मैं कल कर लूँगा। वैसे कबीर जी ने इसके अंदर परमात्मा के बारे में जिक्र किया है कि हम सोचते हैं कि अभी हमारी बड़ी उम्र पड़ी है, अभी तो हम छोटे हैं, राम राम जो वाहिगुरु करना है वो तो हम बड़ी कभी भी कर सकते हैं, सारी उम्र पड़ी है, बड़े होकर करेंगे, बुजुर्ग बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि हमें क्या पता कि हमारी उम्र कितनी बाकी है, किसी को किसी की उम्र का नहीं पता है, कोई अंदाज़ा नहीं है। तो हमें आज ही नहीं बल्कि अब से ही प्रभु परमात्मा का ध्यान करने लग जाना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए तो एक और संदर्भ में भी बहुत ज़रूरी है कि हमें जो भी कई बार स्कूल का काम मिलता है, पढ़ने का काम मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि ये काम तो चलो मैं शाम को कर लूँगा, ये मैं कल कर लूँगा, कर ही लूँगा मैं। लेकिन फिर क्या होता है कि वो काम आप कर भी नहीं पाते और आपका सारा दिन निकल जाता है। इसलिए क्या समझाया गया कि हमेशा कभी भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो बेटा ये थे कबीर जी के दोहे दोहावली के अंदर, तो आप सब ने पढ़े, उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो इससे रिलेटेड संबंधित तो कुछ आप देख सकते हो शब्दार्थ हैं और अभ्यास के प्रश्न तो इसमें आएंगे, बड़े ही आसान हैं, तो उनको आप अपने आप कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन पूछे हैं कि कबीर जी के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है, तो अभी आपको पढ़ाया था मैंने कि जो जिसके हृदय में साच है, इनकी सच्चाई है, सच्चे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर वास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें, देखो आप कबीर जी ने सच्चा साधु किसे कहा है बताओ आप, आपको मालूम है कि जो सच्चा साधु जो वो धन का भूखा नहीं होता, प्रेम का भूखा होता है, उसे सच्चा साधु कहता है। ऐसे जितने भी इसमें क्वेश्चन आए हैं बड़े ही आसान है, और इन क्वेश्चनों के आप खुद भी कर सकते हो, नहीं तो इनकी मैं एक PDF फाइल है प्रश्न उत्तर की, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। और इसके अलावा आपके जो मोबाइल के अंदर एक पंजाब एजुकेयर ऐप है, उसके अंदर भी सभी पाठों की जो उत्तर है वो अब जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं उनके, वहाँ से भी कर सकते हैं। और कबीर जी के बारे में बेटे ये कुछ दोहे और भी हैं, इनको अगर आप और किसी की इच्छा हो तो आप आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आप YouTube पर जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे दोहे इनके अंदर, बड़े ही मधुर दोहे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक बार सुना देता हूँ, देखिए आप ज़रा इसमें। अभी हम जाते हैं YouTube पर, एक सेकेंड, YouTube पर जब जाएंगे आप तो यहाँ पर आप सब कुछ खोज सकते हैं YouTube के अंदर। ये देखिए यहाँ पर कबीर के दोहे, तो ये देखिए ये कबीर जी के दोहे हैं, आपको सुनने मिलेंगे।
जी सुनिए। बेटे आपने ये दोहा सुना अभी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलि हरि गुरु आपनो गोविंद दियो दिखाए। तो इसमें कबीर जी ने क्या कहा है कि गुरु एक तरफ गुरु खड़े हैं, एक तरफ गोविंद यानी कि परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, भगवान भी प्रकट हो गए, सामने आ गए। दूसरी ओर एक और क्या है कि हमारे गुरु जी खड़े हैं, तो मैं किन के चरण छूँ, सबसे पहले किन के पाँव पढ़ूँ। तो कबीर जी कहते हैं कि सबसे पहले मैं भगवान के पांव नहीं पढ़ूंगा, अपने गुरु के पांव पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि गुरु जी के ज्ञान से, ज्ञान की बदौलत ही, गुरु जी की शिक्षा के बदौलत ही मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है, भगवान जी के दर्शन हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु जी के पांव पढ़ूंगा, उनको नमस्कार करूंगा। अब इसमें देखिए, ये देखिए, तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये पाठ लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अपनी कॉपियों पर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।